धनबाद में बेटी की डोली के बाद पिता की अर्थी भी निकली। इसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। बेटी के हाथ पीले करने का सपना हर माँ बाप का होता है। झारखंड के गोमो में हरिहरपुर थाना क्षेत्र के जयपुर निवासी झारखंड आंदोलनकारी पुनीत महतो के बेटे छत्रधारी महतो भी इसी सपने के साथ अपनी छोटी बेटी ममता कुमारी की शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बेटी की डोली उठने से पहले ही बुधवार 10 अप्रैल को छत्रधारी की मृत्यु हो गई। इसके बाद समाज के लोग आए, सबकी सहमति से पिता का शव घर लाने से पहले ही ममता की शादी बुधवार को ही मंदिर में करा दी गई। बताते चले कि ममता का विवाह गिरिडीह जिले के चिचाकी खूंटा गांव निवासी कुलदीप महतो के पुत्र अजीत महतो के साथ 19 अप्रैल को होना था। छत्रधारी महतो बाजार से बकरा लेने गया था। इसी दौरान वापस आने के क्रम में बकरे के गले से बंधा रस्सी सड़क पर लटक रहा था, जिसे देख एक ऑटो वाले ने उसे बताया कि बकरा के रस्सी उठाने को और फिर इसी के बाद बकरे का रस्सी उठाने के क्रम में वो अपने बाइक से नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़ी एक वाहन में उसने टक्कर मार दी। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया उसे, जहां उसकी स्थिति गंभीर थी। फिर रिम्स रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल ग्रामीणों ने लड़की का विवाह टालना उचित नहीं समझा, इसीलिए शव के आने से पहले ही ममता कुमारी का विवाह कराने का फैसला लिया गया। लड़के के घर वालों से बात की गई, उन लोगों ने भी इस फैसले पर सहमति दी, जिसके बाद बुधवार को वर पक्ष को छत्रवती के गांव बुलाकर जीतपुर मंदिर में ममता और अजीत का विवाह कराया गया।